आप यकीन नहीं कर पाएंगे, कल का बची हुई रोटी से इतना स्वादिष्ट रेसिपी बन के रेडी हो जाएगा। आप मार्केट का महंगा से महंगा रेसिपी इसके आगे तो फीका ही पड़ जाएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को पूरा देखिए। क्या रेसिपी बना रही हूँ अगर आपको आइडिया है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड, ये रेसिपी बनाने के लिए मैं यहाँ पे कल का बची हुई दो रोटी ले लिया हूँ। आपके पास जितना भी रोटी है ये रेसिपी बन जाएगा। एक रोटी हो चाहे दो या फिर ज़्यादा रोटी हो तो भी ये रेसिपी बन जाएगा। थोड़ा सा अमाउंट कम या ज़्यादा होगा लेकिन बन तो जाएगा। तो एक ग्लास के मदद से मैं इस तरह से रोटी को गोल गोल राउंड शेप में कट कर लूँगी। मैं जैसे कट कर रही हूँ, आपके पास ग्लास हो या फिर कोई भी ऐसे गोल कोई भी बटल का ढक्कन हो आप उससे भी इस तरह से कट कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं दोनों रोटी को इस तरह से गोल गोल कट कर चुकी हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट रोटी का रह गया है, जो टुकड़ा रह गया है, आप बिल्कुल उसे फेंकना मत। उसे भी क्या करनी है मैं आगे जाके वीडियो में बताऊँगी। इस तरह से सारे रोटी हमारा राउंड शेप में आ गया है। फिर मैं गैस के ऊपर एक ऑयल का कढ़ाई बिठा लिया हूँ और ऑयल को अच्छे तरह से गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे तरह से गर्म हो चुका है। फिर हम इसमें जो रोटी वाला गोल काट के रखे थे हम इसमें फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। रोटी को इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरह से उलट पलट के हम फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं रोटी हमारा बहुत ही अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन भी हो गया है एंड बहुत ही क्रिस्पी भी बन गया है। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी सारी रोटी को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। राउंड शेप होने के बाद जो रोटी बच गया था हम इसे भी ऑयल में अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारे रोटी बहुत ही अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। हम इन सारे रोटी को बाहर निकाल लेंगे। सारे रोटी को मैं यहाँ पे ऑयल से निकाल के यहाँ पे एक प्लेट में रखी हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं रोटी कितना क्रिस्पी बन गया है। एकदम हाथों में से मसल देने से एकदम पूरा एकदम छोटे छोटे टुकड़े में टूट रहा है और रोटी बहुत क्रिस्पी भी साउंड कर रहा है। फिर मैं यहाँ पे एक प्लेट ले लिया हूँ और रोटी को इस तरह से मैं राउंड राउंड इस तरह से सजा रही हूँ एक प्लेट के ऊपर। आप भी देख रहे हैं मैं जैसे सजा रही हूँ, आप भी बिल्कुल इस तरह से जैसे पापड़ी हम सजाते हैं उसी तरह से सजा ले। यहाँ पे आप गेस कर ही चुके हैं हम आज रोटी के पापड़ी चाट बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। आप देख लीजिए रोटी को कुछ इस तरह से सजाने के बाद फिर हम इसके ऊपर कटी हुई टमाटर और प्याज डालेंगे। बिल्कुल चॉप्ड की हुई टमाटर और प्याज है हम इस तरह से डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लग रहा हो तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर इसके ऊपर हम चॉप्ड की हुई काकड़ी डालेंगे और चॉप्ड की हुई गाजर डालेंगे और घर का दही 3 से 4 चम्मच दही हम इसके ऊपर डालेंगे। जैसे मार्केट में मिलता है दही पापड़ी, हम घर में इसी तरह से इसे तैयार करेंगे। आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये रोटी से बना है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। फिर हम इसके ऊपर 2 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। इसे चटपटा बनाने के लिए हम सारे मसाला ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और काला नमक। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप इमली का पानी या फिर नींबू भी डाल सकते हैं। मुझे इतना खट्टा पसंद है इसलिए मैं और नहीं खट्टा डाल रही हूँ। और लास्ट में थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। पापड़ी चाट को हम एकदम दुकान जैसा नहीं सजाएंगे तो खाने में मज़ा नहीं आएंगे। फिर हम इसके ऊपर जो बची हुई रोटी का फ्राई नहीं किए थे जो छोटे छोटे टुकड़े में था उसे हाथों में अच्छे तरह से क्रश करके यहाँ पे हम डाल देंगे। इस तरह से मैं जैसे डाल रही हूँ आप भी बिल्कुल उस तरह से क्रश करके यहाँ पर डाल दीजिए। इसमें बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है, ऊपर से एकदम बहुत ही क्रंचीनेस आता है। और आप सबसे लास्ट में सेव भुजिया डाल दीजिए और आपका पापड़ी चाट बनके कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड, इसे खाओ पियो एंजॉय कीजिए और रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पता लग गया ना ये रोटी से बना है तो आप मुझे भर भर के डिसलाइक कर दीजिएगा। इस रेसिपी को आप भी एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बहुत सारी न्यू रेसिपी के लिए। अगले रेसिपी पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।